हेलो स्टूडेंट, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 11th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी वाली बुक भौतिक भूगोल के सिद्धांत, उस बुक में जो अगला चैप्टर है पृथ्वी पर जीवन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है पृथ्वी पर जीवन। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है सभी पौधों, जंतुओं, प्राणियों, जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले सूक्ष्म जीव भी शामिल हैं, उनके चारों ओर पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध से जैव मंडल बना है। तो देखिए, जैव मंडल में अगर हम देखें वास्तव में, तो स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, उन सभी के संयोग से जितने भी प्राणी हैं, पौधे हैं जो पृथ्वी पर जीवन यापन करते हैं, उन सभी को मिलाकर क्या कहा जाता है? जैव मंडल कहा जाता है। जैव मंडल तथा इसके घटक पर्यावरण के ज़्यादा आवश्यक तत्व हैं। तो देखिए, पर्यावरण के यदि कोई महत्वपूर्ण पॉइंट है, कोई तत्व है, तो सबसे ज्यादा जो आवश्यक तत्व है वह क्या है? जैव मंडल है। आगे हम इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। पारिस्थितिकी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द ओइकॉस और लॉजी से बना है। ओइकॉस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है घर, तथा लॉजी शब्द का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान का अध्ययन। तो ऐसी विज्ञान जो प्राकृतिक आवास या किसी भी जीव के आवास या घर के बारे में अध्ययन करती है, उसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। आगे हम बात करें, संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। समुद्री तल से हवा में कई किलोमीटर तक, सूखी घाटियों में जीवधारी विश्वत वृक्ष से ध्रुवों तक, बर्फीले जल में, जलमग्न भागों में, हजारों मीटर गहरे धरातल में, भौम जल में भी जीवन पाया जाता है। यानी इसका अर्थ ये है कि जीवन समुद्र में भी है, जीवन स्थलीय भागों में भी है, जीवन वायुमंडल में भी है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के रूप में भी जीव पाए जाते हैं और गहराई में भी जीव पाए जाते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी जो मिलकर जैव मंडल बनाते हैं, ये पर्यावरण के दूसरे मंडलों के साथ पारस्पर क्रिया करते हैं। जैव मंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित घटक, जिसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है, चाहे वो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, और चाहे वो छोटे पादप हैं, चाहे वो छोटे जंतु हैं, चाहे वो आपका कवक है, चाहे वो आपके बड़े पादप हैं, बड़े जंतु हैं, वन है, अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र हैं, इन सबको मिलाकर क्या बनता है? जैव मंडल बनता है। जैव मंडल सभी पौधों, जंतुओं, प्राणियों, उनके चारों ओर के पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध से बना है। ज्यादातर जीव स्थल मंडल पर ही रहते हैं, लेकिन कुछ जल मंडल और वायुमंडल में भी रहते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी हैं जो एक मंडल दूसरे मंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। जैसे उभयचर की बात करें तो वो पानी में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। पर्यावरण के महत्वपूर्ण तत्व जैव मंडल के घटक हैं। ये तत्व अन्य प्राकृतिक घटकों जैसे भूमि, जल, मिट्टी के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। वायुमंडल के तत्वों जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, सूर्य के प्रकाश से भी यह प्रभावित होते हैं। अगला पॉइंट है, इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकॉस और लॉजी से मिलकर बना है। ओइकॉस का शाब्दिक अर्थ होता है घर और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान का अध्ययन या अध्ययन। शाब्दिक अर्थानुसार इकोलॉजी पृथ्वी पर मनुष्य, जंतुओं, पौधों और सूक्ष्म जीवों के घर के रूप में अध्ययन करने से होता है। इकोलॉजी का अर्थ यह है कि भाई जो भी जीव इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, उनके प्राकृतिक आवास का अध्ययन करना और उनके अंतर संबंधों का अध्ययन करना कि वह वातावरण के साथ कैसी प्रक्रियाएं, कैसे प्रक्रिया द्वारा वह जीवित अपने आप को बनाए हुए हैं, इन सभी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। आगे हम बात करें, जर्मन प्राणी शास्त्री अर्नेस्ट हेकल ने सबसे पहले 1869 में इकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया और पारिस्थितिकी के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। तो इकोलॉजी जो शब्द है वह किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। जैविक व अजैविक घटकों के परस्पर संपर्क के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। यानी जो जीव जंतु हैं, अजैविक घटक का मतलब हुआ तापमान है, प्रकाश है, जल है, वायु है, मिट्टी है, इन सब के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। अतः जीवधारियों का आपस में व उनका भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों का अध्ययन भी क्या है? इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है। पारितंत्र इकोसिस्टम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्थलीय इकोसिस्टम और जलीय इकोसिस्टम। स्थलीय इकोसिस्टम को पुनः बायोम में विभाजित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं बायोम क्या होता है। देखिए, पौधों व प्राणियों का एक समुदाय है जो बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी कि समस्त पौधे, समस्त प्राणी जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? बायोम कहते हैं। पृथ्वी पर विविध बायोम की सीमा का निर्धारण जलवायु व अपक्षय संबंधी तत्व करते हैं। यानी वायु बायोम की सीमा का निर्धारण किस तरह से किया जाएगा, तो उस सीमा का निर्धारण कौन करती है? जलवायु व अपक्षय करते अपक्षय संबंधी जो तत्व हैं वह बायोम का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं।
आगे हम बात करें विश्व के प्रमुख बायोम कौन कौन से हैं। वन, पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थलीय भाग, घास भूमि और जलीय बायोम विश्व में पाए जाते हैं। जलीय बायोम मतलब हो गया आपका महासागर हो गया, आपका सागर हो गए, तालाब हो गया, आपके नदियां हो गई, तो ये सब जलीय बायोम के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें संरचना की दृष्टि से, सभी पारितंत्र में जैविक व अजैविक घटक होते हैं। अजैविक व अजैविक या भौतिक कारकों में कौन कौन से होते हैं? वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की स्थिति, तापमान और अकार्बनिक तत्व जैसे नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि शामिल हैं। तो अजैविक घटक में कौन कौन से हैं? वर्षा हुआ, सूर्य का तापमान हुआ, आर्द्रता हुआ, मृदा की स्थिति, तापमान और अकार्बनिक तत्व, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन डाइऑक्साइड और जल किसमें शामिल होते हैं? अजैविक घटक में शामिल होते हैं। जैविक कारकों में उत्पादक, उपभोक्ता जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैविक कारकों में अपघटकों को भी क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। उत्पादकों में सभी हरे पौधे शामिल होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में शाकाहारी जंतु जैसे हिरण, बकरी, चूहे, सभी पौधे, पौधों पर निर्भर रहने वाले जीव यानी जितने भी जीव जो शाकाहारी हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में मांसाहारी आते हैं जैसे सांप, बाघ, शेर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में आते हैं और उससे भी ऊपर जो मांसाहारी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। अब बात करते हैं अपघटक। अपघटक से अभिप्राय जो मृत जीवों पर निर्भर हैं जैसे कौवा, गिद्ध और कुछ अन्य अपघटक हैं जैसे बैक्टीरिया, सूक्ष्म मृतकों को अपघटित कर उन्हें सरल पदार्थ में बदलते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अपघटक बोलते हैं। पारितंत्र के जीवाणु एक खाद्य श्रृंखला से परस्पर जुड़े हुए होते हैं। पौधे पर जीवित रहने वाला एक कीड़ा एक मेंढक का भोजन है, जो मेंढक सांप का भोजन है, सांप बाज द्वारा खा लिया जाता है। यह खाद्य क्रम एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा प्रवाह को ही क्या बोलते हैं हम? खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। यानी भोजन के आधार पर एक ऊर्जा का प्रवाह बनता है जो एक दूसरे को खाते चले जाते हैं। पौधे को शाकाहारी, शाकाहारी जीव को मांसाहारी खाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखलाएं बोलते हैं। सामान्यतः पृथ्वी पर दो तरह की खाद्य श्रृंखलाएं मिलती हैं, एक चारण खाद्य श्रृंखला और एक अपरद खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला पौधों से शुरू होकर मांसाहारी तक चलती है, जिसमें शाकाहारी मध्यम स्तर पर आता है। किसमें आता है? शाकाहारी कहाँ पर आता है? मध्यम स्तर पर आता है, चारण खाद्य श्रृंखला में। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, संसार के प्रमुख बायोम घास भूमि बायोम, जलीय बायोम, वन बायोम, मरुस्थलीय बायोम, उच्च प्रदेशीय बायोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा का मूल स्रोत, यानी पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण जीवन निर्भर है। यही ऊर्जा जैवमंडल में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से जीवन प्रक्रिया शुरू करती है, जो हरे पौधों के लिए भोजन व ऊर्जा की मुख्य नींव है। धरती पर पहुंचने वाला सूर्य ताप का बहुत छोटा भाग यानी कि केवल 0.1% भाग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई कितना प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम आता है, तो केवल 0.1% भाग ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम आता है। इसका आधे से ज्यादा भाग पौधे की श्वसन क्रिया विसर्जन क्रिया में, शेष भाग अस्थायी रूप से पौधों के अन्य भागों में संचित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का प्रमुख सह परिणाम ऑक्सीजन है, यानी कि जो को प्रोडक्ट निकलता है वह क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन पौधे जो है वो ऑक्सीजन का बाहर निकालते हैं। सूर्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जल के अणुओं के विघटन से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, पौधों की वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के समय या वायुमंडल में पहुंच जाती है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होती है तो वह कहाँ पहुंचता है? वायुमंडल में पहुंचता है जल, और जल के अपघटन से ही वास्तव में क्या मिलती है? हमें ऑक्सीजन मिलती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का तो उपभोग होता है और जल का अपघटन के द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकलती है। अगला पॉइंट है, कुछ अन्य जंतुओं व प्राणियों के भक्षण से खनिज पदार्थों का निर्माण होता है। जीवधारियों की मृत्यु के बाद ये खनिज अपघटित व प्रवाहित होकर मिट्टी व जल में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। तो इस तरह से खनिज पदार्थों का निर्माण होता है और बाद में ही खनिज पदार्थ क्या है? मिट्टी मिल जाते हैं। तो इस तरह से खनिज पोषक तत्वों का क्या है? एक चक्र चलता रहता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? खनिज चक्र के नाम से हम जानते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस चैप्टर के बारे में उन सभी के बारे में पढ़ा, और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं मैं समझता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।